जब मैं बैठ रही हूँ ना, इवन पॉट पे भी ऐसे बैठना पड़ रहा है। बैठ गई फिर उठना है। अब मेरे को उठना है पॉट से, क्या पकड़ूं? तो ना मैं ऐसे करके ना ऐसे करती हूँ, ऐसे देखो पैर ऐसे रह जाते हैं, ऐसे करती हूँ और फिर दो तीन कदम ऐसे ही चलती हूँ। मैं फिर धीरे करके ना करती हूँ। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और बज गए हैं 12 और मैं तैयार हूँ, आप देख सकते हो, अपने जिम के लिए। पहले मैं एक्सरसाइज करूंगी, अब मेरा थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया है। शाम की जगह दिन में वर्कआउट करूंगी और उसके बाद रेडी होंगी, तो दैट इज बेटर ऑल्सो। तो इसलिए मैं, मेरे 1 बजे का वर्कआउट रहेगा और उसके बाद मैं आके रेडी होके फिर अपने बाकी काम करती रहूंगी। तो ये अब शेड्यूल बना है, तो 1 बजे का टाइमिंग फिक्स हो गया है। सो आई एम एक्चुअली रेडी, मैंने पूजा वगैरह कर ली है, नहा ली हूँ, सब कर लिया है। आके चेंज वेंज करके फिर अपना थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप हल्का सा कर लूंगी। और ये रहे मेरे सारे बच्चे, और ये मिला कुछ जुआ वो खाना नहीं खा रहा है, और चारू मामा इतना सुंदर लग रहा है कि पूछो मत, रुई का गोला चारू मामा। चलो आओ खाना भी खाएंगे, फिर मामा तैयार होके, मम्मा को जाना भी है ना जिम। अरे पापा से तो मिलाया ही नहीं, पापा तो रह ही गए, पापा के लिए मम्मी आ रही है। ये रहे पापा। पापा हमेशा रह ही जाते हैं, गुड मॉर्निंग। पापा हमेशा रह जाते हैं, पहले कुत्तों का इंट्रोडक्शन होता है फिर पापा का इंट्रोडक्शन होता है। ऐसा कुछ नहीं है बेबी, पापा वर्कआउट करके अभी तक नहाए नहीं है, बीवी नहा चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या लगाया हुआ है मुंह पे, बाल पे? ये तो मैंने लगाया ना कि मैं अभी एक्सरसाइज करूंगी ना, तो क्लिप चाहिए होता है ना। ए मेरा पजामा ले आई ये बेबी, बाथरूम से उठा के मेरे पजामे वजामे सब ले आती है, बाहर ले आती है, सारे नाड़े खा गई है। जितने भी अभद्र चीजें होती है ना बेबी, ये बाथरूम से निकाल के लाती है मेरी। और अब जिस दिन ये बेड पे चढ़ना सीख गई, उस दिन समझ जाना कि आपको अपना सारा सामान रखना पड़ेगा छत के ऊपर। बेबी ये नहीं कर सकते बेबी, आपको पता नहीं है मामा, अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा बिल्कुल करना ठीक नहीं है। और ये आपकी मम्मी जो है ना, बहुत तंग कर रही है, खाना नहीं खा रही है। इसका खाना इसकी मम्मी को खाना होता है, इसकी मम्मी का खाना इसको चाहिए, वो हो नहीं सकता। आज वर्कआउट में क्या करने वाली हो? मुझे कुछ नहीं पता बेबी, बहुत दर्द है। कहाँ पे? यहाँ से ना ये हिस्सा चला गया है, चुका है। हाँ, उसने देख लिया था ना टीचर ने कि ये हिस्सा जो एरिया है ये उसकी पहुँच के बाहर है, उसको भी उसकी पहुंच के बाहर लगा। तो वो ना समझ नहीं पाया कि क्या क्या करा दूं इसको मैं। उसने इतना कुछ करा दिया कि जब मैं बैठ रही हूँ ना, इवन पॉट पे भी ऐसे बैठना पड़ रहा है। अरे रे रे। फिर मैं बैठ जाती हूँ, बैठ तो बैठ गई, फिर उठना है। अब मेरे को उठना है पॉट से, क्या पकड़ूं? तो ना मैं ऐसे करके ना ऐसे करती हूँ, ऐसे देखो पैर ऐसे रह जाते हैं, पैर ऐसे रह जाते हैं, और फिर मैं अपने आप को ऐसे करती हूँ और फिर दो तीन कदम ऐसे ही चलती हूँ, फिर वॉश मशीन तक पहुँचती हूँ। आपको समझ में आ रहा है कि आपके साथ होता है? मैं फिर धीरे करके ना करती हूँ, लिटरली हो रहा है। मैं ओवर एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ये मेरे साथ हो रहा है। बट क्या करे ना, चीजें खत्म कर ली है ना, ये पुट्ठे जो है जिन्होंने अपना पूरा वो वर्चस्व दिखाया है। अरे मैं कह तो रहा हूँ, सामने कारपेंटर काम कर रहे हैं, बुला के रंदा मरवा लो। रंदा बंदा ही तुम देखो।